हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सब, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो शुरू करते हैं आज के नए व्लॉग को। तो भाई साहब सो के उठ चुके हैं बहुत देर के, तो लेकिन पता प्रियम क्या बना रही है आज, गैस करो आज क्या बना रही है। तो भाई प्रियम बना रही है आलू के पराठे गर्मा गर्म, क्योंकि आज ना भैया जा रहे हैं, तीन दिन हो गए शायद, उन्हें बोल रहे थे जाना, मैंने बोला था कि आज रुक जा, कह रहा था कान कटा रहा बहुत सारा। तो आज मन कैसा लगेगा, हम तक तो भाई साथ को आऊंगे, साथ को आऊंगे, साथ सारी बहुत दिन बहुत दिन है, अब आगे अब जाने की तैयारी यार। तो थोड़ा मन ऐसा हो जाता है जीप सा। तो भाई क्या नाश्ता बना रहे आलू के पराठे, तो सब तैयार हो गया वैसे तो जाने के लिए। तो ये देखे आलू के पराठे बन रहे हैं गर्म गर्म, तो नाश्ते में आलू के पराठे बनाए हैं इनके लिए। कोई बात नहीं, जानेंगे ना तो खान से जाओगे, इतनी भूख नहीं लगने की, फिर हैवी रहना है थोड़े आलू के पराठे, इसीलिए तो कुछ दिन बाद हम भी घर जाएंगे गाइस। देखना आप लोग कब जाएंगे हम, कब नहीं जाएंगे, तो कुछ दिन की बात है, हम भी घर चलते हैं। अपने घर देख लेंगे आपको एक न्यू ट्रिप और देखने को मिलेगी, वो फुल फैमिली रहेगी उसमें। हाँ पता क्या, दीदी अभी बोली थी आने के लिए, फिर दीदी बोली कि मैं बाद में आऊंगी, तुम आ जाओ पहले। तो क्योंकि यार हमारा मन नहीं लग रहा है, तो गाइस पता क्या सीन है, हमारा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे बिल्कुल भी, तो हम घर जाएंगे अपने, समझे आप, घर जाने की ज्यादा खुशी है, यहाँ से यहाँ रहने की कितनी खुशी नहीं, इतनी घर जाने की खुशी है, तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा हमारा भाई। वो देख लो रोन लगी, तो वह ड्रॉप लेने के लिए जो नहीं, कितना हमारा कितना, आ जा आ जा आ जा, हाँ वो लेने गई चिच्ची टाओ जी, पराठा खाएगा, पराठा पराठा खाएगा, तो पराठे बनाते हैं मम्मा ने आपके लिए गरम गरम पराठे खाऊंगे। ताजी लेने गई दीदी के लिए डायपर, ये सुसु कर देती है ना दीदी, हाँ चलो पराठे खाते गाड़ी देखो कहाँ, अच्छा बाहर से बंद कर रखा है, इतना उस्ताद हो रहा तू, खोल खोल जल्दी, मैं हो रहा कुंडी लग गई, कुकर लगा दी इसकी, किसने लगा दी पता, गाड़ी लगे बाहर घूम रहा इसकी, वैसे तेरे पापा आएगा पिट्टा बाहर से, पिट्टा बाहर से बढ़िया वाला। चल तो गाइस रेडी हो चुके हैं सब जाने के लिए, और अब चलते हैं, छोड़ करते हैं ये ऑटो से जाएंगे, और हम जाएंगे विधान में, और वैष्णव भी जाएंगे बुलेट से, तो ठीक है, तो वैष्णव भी तैयार है और ये भी तैयार है सब जलने के लिए हैं। तो भाई ऑटो आने लग रहा है, देखो रास्ते में अभी ऑटो फिलहाल कहाँ है हमारा, ये है इसकी लोकेशन, तो वहाँ से आ रहा है फिलहाल, पाँच मिनट दिखा रहा अभी आने के लिए, तो इतने तैयार हो जाएंगे। विधान क्या कर रहा है, बेटा रुक जा, इतनी बड़ी निकला करते, अब वैष्णव भी तैयार है, चार 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 विधान, जो जो हनी सिंह करके दिखा दे, बावले वाले काम करेगा, बावले वाले काम करेगा, हाँ क्या मिम्मी 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 गोरा हेलो, सोना बन गया गोरा, तो सोना कपड़े पहन लिए, जय 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 जय, फिलहाल चप्पल अंदर होगी। तो गाइस 100 रुपए पे जाना है आइस बीडी छोड़ने, हम जाएंगे बाइक से, जाएंगे ऑटो से, क्योंकि हम साथ में चलेंगे ना इनके, तो एक ही बाइक है फिलहाल हमारे पास, तो दो तीन चक्कर लगते हैं आने जाने के बाइक पे, तो इसीलिए तो हम उधर से आ जाएंगे, और विधान चलेगा हमारे साथ में, बस मैं भी रेडियो की जाने के लिए छोड़ कर आने के लिए, तो चलते हैं। जाना तो था इधर को और ऑटो चला गया इधर को, अब फोन करके पूछ रहे हैं आपके बैलेंस खत्म होगा क्या, नहीं। अरे इधर कोई निकल गई मेरे इरादे से, चाची होगी चाची तक, अरे बता स्टार्टर नहीं आया बेटा, तेरा मन लग जाओगा, लग जाओगा, हमारे नहीं लग देगा, उधर वो कहाँ को लेगा ऑटो, इधर से कहाँ को, रास्ता बंद नहीं, उधर वहाँ तो रास्ता बंद था, इधर हाँ उधर रास्ता बंद, आ जाओ डे
टाइप आ चुके हैं, पर ना हम यहाँ पे खड़े अभी ना उस साइड में खड़े बहुत दूर। आ जा, अंदर ही आ जा। हाथ हिला लग रहे हैं, आ जाओ। मेरे वहाँ पे है, चलो बस चल दिए, बाय। वो भी रोड़ा विधान भी ये भी रोड़ी बाय। मैं बाइक लेकर आ रहा। गाइस हो गया हमारा घर खाली खाली। वैष्णो ताऊ जी गए, ताऊ जी गए, भैया गए, ताई जी भी गई, अच्छे तो बाबू भी गया। हाँ देखो कैसे कर रही। हाँ चलो अब नाश्ता करेंगे हम, ठीक है। और आपने पिंगी तो मेरी उतार ली, अभी छोड़ के आए हैं उन्हें वहाँ घर, मतलब बस स्टैंड पे बस में बैठा के तुरंत ही बस मिल गई थी, और सबसे अच्छी बात है तुरंत बस मिल गई। वरना तो बस में वो बस के चक्कर में खड़े रहते। तो भाई बस इतना ही है कि मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी। वे तो बोल रहे थे कि आ जाइयो तुम, पर हमने जब तक यहाँ पे किराया दे रखा है ना, तब तो हमें रहना ही पड़ेगा, मजबूरी, ठीक है। और मैं तो बोल रही थी फिर बीच में फिर आ जाइयो, है ना। मैं दीदी को बोल रही थी आ जाइयो दीदी फिर बीच में, मगर फिर घूम जाइयो। इमोशनल हो गए थे, मैं भी इमोशनल, ये भी इमोशनल। देखो जब घर वाले आते हैं ना फिर जाते हैं तो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, कोई नहीं। पर ये तो इतनी रोई मतलब देखो इसकी मस्ती। हम तीनों रह गए घर में और हमारी मैया रानी। शाम के 5:10 हो रहे, 11 मिनट हो गए हैं, और वैष्णव अभी खेल रही है। सुबह से ना तो ये नहाई और सुबह से ना तो ये नहाया, गंदगी में नहीं जाना था तो इसलिए आपको नहीं खाया, कहीं नहीं जाना। पहले ही पता था, वैसे शनिवार को नहीं नहाता, शनिवार को मैं नहा लेता हूँ तो यहाँ पे एक दिन काट देता हूँ। सच्ची शनिवार को भी आप नहाते गली चो, सच्ची भैया आज ये नहाई नहीं सुबह से, हाथ धोगी बिल्कुल ही। वैष्णो आप तो नहा लेते बेटा, आप तो नहा ही लेते, आज ही नहा लो ना, नहा लो प्लीज, नहा लो, इसे भी नहा लो। और बहुत गंदा जा रहे हैं आप, नहीं नहाएंगे ना, आओ नहीं करोगे, नो नो नहीं नहाएगी, नहाएगी वहां से वो चादर हटा दियो। अच्छा चाहता ना गोरा के लिए बांध रखी थी, गोरा झोलने की शौकीन है वैष्णवी की तरह, वैष्णवी को भी आदत थी छोटी सी, हाँ भी इसमें प्रसाद रख के लेके जावे थी। गंदी बच्ची कक्के छत्ती फिरती है। हाँ यार उसके दम लो भो 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 थोड़े दम लो करते ही भाव बे। तो गाइस सुबह से खाली खाली उदास उदास सारे, आज पूरा दिन मूड होता है, पूरा दिन मन नहीं था कहने का कुछ भी, पूरा दिन मूड ऊपर मेरा भाई, तो दिमाग में छुट गया। हाँ तोले सुखा रहा हूँ फिलहाल, तो बाहर में भाई ये बुलेट के मेरी तोले सुखाने का काम हो गया। चलो देखना मस्ते पे खुजा होगा इसके, फिर धप्पड़ से पड़ गया तो गैस पता नहीं क्या हो रहा है, जब भी खुजाते हैं ना इसके हाँ वो मच्छर सा था चिखा भरा सा गहरा गहरा सा, नहीं मैंने मार दिया पहले ही, कहने लेट करे थोड़ा सा, नहीं तो थोड़ा और लगे तो बढ़िया सा मर जाता अंदर ही। प्रूफ के साथ देखना, मजाक वाली बात है कि बच्चे को मजाक मारा तो वीडियो में देख सकती है कि मैंने मच्छरी मारा या तो ऐसे चाटा मारा। तो 5 बजे थे भाई 5:15, और जी भाई मन नहीं कर रहा कहने का भी, ना खाने का मन कर रहा, ना नहाने का मन कर रहा, ऐसे कर रहा बस पढ़ा रहा हूँ पूरे दिन, ऐसा हो रहा आज तो मन बिल्कुल। क्या देख लो हम दो जने रह गए, दो जनों का मन कैसे लगता है समझ में नहीं आता। कुछ लोग होते हैं ना कि दो घर घर में रहते हैं, पर मेरा हमारा मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी, हमारा चाचा प्रण है, खत्म करता हूँ मैं। तो जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताना आप लोगों के मार आप लोगों को हमारे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, और देहरादून के क्या क्या नजारे देखने को मिल रहा है भाई। अभी ज्यादा दूर हम जा नहीं सकते क्योंकि बारिश हो रही है, पानी आता बहुत तेज, इसलिए ठीक है गाइस, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट व्लॉग।